कोई मूवी सबको अच्छी तभी लगती है जब सारे व्यूअर्स उसे प्रैक्टिकली खुद के साथ रिलेट कर पाता है। मुझे लगता है हम सब डेली लाइफ में जो कुछ झेलते हैं उससे अच्छा मूवी का प्लॉट कुछ हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है, सच ऑलवेज कड़वा होता है। ऐसे ही कुछ ट्रू स्टोरी को पर्दे में दिखा के वर्ल्ड मूवी इंडस्ट्री हमें सदियों से एंटरटेन करती आ रहा है। आज मैं कुछ ऐसी ही मूवीज का लिस्ट आपके सामने पेश करूंगी, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैंने इस लिस्ट को बनाने में तीन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दिया है, प्लॉट, एक्टिंग एंड डायरेक्शन। इन सब मूवीज को मैं एक के बाद एक बोलूंगी विदाउट गिविंग एनी नंबर, बिकॉज ऑल आर एट देयर बेस्ट। और ये सब जेम्स का नंबरिंग करना मेरी तो औकात के बाहर है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला मूवी है एस्केप फ्रॉम अल्कैट्रॉज। सैन फ्रांसिस्को में अल्कैट्रॉज बोल के एक आइलैंड है जो कि फेमस है एक प्रिजन के लिए, जहां से कैदियों का भागना लगभग नामुमकिन है। लेकिन तीन कैदी 1962 में इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया था। यह है इस मूवी का प्लॉट। ट्रू फैक्ट के ऊपर बनाई गई ये मूवी आपको जेल की हैवानियत के साथ रूबरू भी कराएगा और एक चिलिंग थ्रिलर का एक्सपीरियंस भी देगा। ये मूवी 1979 में रिलीज हुआ था। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टोमेटोज में ये है 96% फ्रेश। हमारा नेक्स्ट मूवी है मिडनाइट एक्सप्रेस। एक अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट बिली हेज के लाइफ के ऊपर बेस्ड है ये मूवी, जो ड्रग स्मगलिंग करते हुए टर्की में पकड़ा गया था और जिसको जेल में 30 साल तक रहने की सजा सुनाई गई थी। बिली जेल से भागने की बहुत बार कोशिश किया था, लेकिन हर टाइम वो अनसक्सेसफुल ही होता है। लेकिन बार बार नाकामयाब होने के बावजूद बिली अपना कोशिश नहीं छोड़ता है एंड लास्ट में कैसे वो सक्सेसफुल होता है, इसी को लेके बनाई गई है ये मूवी। मूवी का सबसे बड़ा खासियत है इसका साउंड ट्रैक, जिसके चलते ये मूवी एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर जीता था 1978 में। इसका IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टोमेटोज में ये भी 96% फ्रेश है। हमारा नेक्स्ट मूवी है कैच मी इफ यू कैन। ये मूवी 2002 में रिलीज हुआ था। पुलिस और मुजरिम का चूहा बिल्ली वाला मूवी आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन अगर ऐसा कोई मूवी हो जिसमें मुजरिम है लियोनार्डो डिकैप्रियो और पुलिस है टॉम हैंक्स, और सबसे बड़ी बात है मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन स्पेलबर्ग ने, तो कुछ यूनिक एंड क्लास तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। एक मुजरिम जो कई सारे किरदार में चेक फ्रॉड करके मिलियन डॉलर्स लूट लेता है, और वो भी सिर्फ 19 साल की उम्र में, जिसको पकड़ने में FBI का सबसे बड़ा एजेंट का भी पसीना छूट जाता है। ये है इस मूवी का प्लॉट। और अवार्ड्स बोले तो क्या नहीं है इसके पास। ब्रिटिश एकेडमी फॉर फिल्म एंड आर्ट्स, स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड, क्रिटिक चॉइस, ADG एक्सीलेंस, नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक और कितने चाहिए। इसका IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10 एंड ये भी रॉटन टोमेटोज में 96% फ्रेश है। हमारा नेक्स्ट मूवी है सिंडलर्स लिस्ट, जो कि 1993 में रिलीज हुआ था। आपको हॉलोकॉस्ट के बारे में पता है? ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाली कम्युनल लूटी या कत्लेआम है, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान नाजी सोल्जर्स यूरोप के 6 मिलियन ज्यूज के ऊपर किया था। लेकिन ऑस्कर सिंडलर नाम की एक बिजनेसमैन एंड नाजी सपोर्टर का नाम हिस्ट्री में लिया गया है एकदम ही ऑपोजिट रीजन के लिए। उन्होंने अपनी कंपनी का 1000 ज्यूज एम्प्लॉय एंड उनके परिवार को अकेले बचाया था दूसरे नाजी सोल्जर के हाथों से। स्टीफन स्पिलबर्ग की एक और पेशकश है, जो एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्शन एंड पिक्चर्स का अवार्ड भी जीता है। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.9 एंड रॉटन टोमेटोज में यह है 97% फ्रेश। हमारा नेक्स्ट मूवी है अ ब्यूटीफुल माइंड, जो कि 2001 में रिलीज हुआ था।
सच में ये मूवी बहुत ही खूबसूरत है। एक नोबेल प्राइज विनर मैथमेटिकल जीनियस जॉस नैश की लाइफ को लेके ये मूवी बनाई गई है। एक डेंजरस रशियन कॉन्स्पिरेसी को डिकोड करके उनकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। रसल क्रो ने कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। एक तरह से जीनियस और दूसरे तरह से स्किज़ोफ्रेनी, दो अलग अलग वजूद को एक साथ एक ही कैरेक्टर के अंदर दिखाना बहुत ही मुश्किल था। एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट मूवी डायरेक्टिंग, बेस्ट एक्ट्रेस इस मूवी के झोली में है। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.2 एंड ये रोटेन टोमेटोज में 74% फ्रेश है। हमारा नेक्स्ट मूवी है एरिन ब्रोकोविच, जो कि 2000 में रिलीज हुआ था। ये मूवी है जूलिया रॉबर्ट्स का ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस वाली मूवी। एक स्मॉल टाउन की एक लॉयर जो कि 3 बच्चों की सिंगल माँ भी थी, कैसे वो पैसिफिक इलेक्ट्रिक एंड गैस नाम की एक कंपनी की वाटर पॉल्यूटिंग केस का पर्दाफाश करते हैं, ये है इस मूवी का प्लॉट। इसका IMDb रेटिंग है 7.3/10 एंड ये रॉटन टोमेटोज में 84% फ्रेश है। आज की हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट मूवी है 12 इयर्स अ स्लेव, ये 2013 में रिलीज हुआ था। सोलोमन नॉर्थरप की लाइफ को लेके ये मूवी बनाई गई है, जो कि 18th सेंचुरी की एक एफ्रो अमेरिकन परिवार से बिलोंग करता था। जॉब की लालच दिखा के उनको स्लेवरी करने में मजबूर किया गया था। मूवी में एक बहुत ही अच्छा हार्ट टचिंग मैसेज है। अमेरिका के रेसिज्म और स्लेविंग को लेके बनाई गई ये मूवी को एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर एंड बेस्ट एक्ट्रेस की खिताब मिली है। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.1 एंड ये रॉटन टोमेटोज में 95% फ्रेश है। तो आज के लिए बस इतना ही। पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना एंड वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक एंड कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थोड़ा इंतजार। थैंक यू।